DIY टाइप का ही हो गया, लेकिन DIY बोले तो कोई प्रोफेशनल वर्क है, तो एक्चुअली ये प्रोफेशनल से कराना चाहिए। मैं तो कुछ प्रोफेशनल हूँ नहीं, लेकिन मैं कर सकता हूँ। तो ऐसे मेजर इंजन का इंजन वर्क नहीं है, इसका एक बैक बम्पर लगाना है। मैंने जैसे बताया ये कोई अनबॉक्सिंग या कोई एडवेंचरस वाला नहीं है, थोड़ा सा मैकेनिकल वर्क है, और जैसे मैंने बताया जस्ट फिटिंग ही है इसमें। M2 ऑल से मंगवाया है महिंद्रा का, ये सारा बोल्ट है। तो इसमें आपका 4 लंबा बोल्ट है, लगभग 6 इंच का है लंबा बोल्ट, और ये 2.5 इंच एंगल टाइप में खड़ा हुआ है। 4 बोल्ट है जो जिसमें लगना चाहिए। उसका अटैचमेंट ये है, ये है बस, यहाँ पे एक्सटेंशन है, ये 2 एक्सटेंशन आएगा इसका, और ये मेजर ब्रैकेट है ये। इसको पता नहीं ये इसका टेक्निकल स्पेक्स या इसका टर्म क्या है, तो ऐसे ब्रैकेट है, ब्रैकेट बोलो या क्लैंप बोलो। तो ये पोर्शन आपका, जैसे ये SUV है, SUV मतलब स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल है, तो सारा ये लेदर चेचीज पे बिल्ड है, तो इसके नीचे आपका लेदर चेची है, इसमें ये हो गया आपका चेचीज में डायरेक्ट लगेगा। तो ये तो प्लास्टिक है, तो इसमें क्या होता है बाई चांस पीछे से कोई बम्प कर दिया तो उसमें प्रोटेक्शन मिलेगा, ये सब जैसे अभी सेंसर है इसके अंदर में, तो वो सब प्रोटेक्ट रहता है, फ्रंट का सजेस्ट नहीं करता है टेक्निकली। आपका जो एयरबैग्स होता है तो वो एयरबैग्स को जो इम्पैक्ट जो मिलना चाहिए एयरबैग्स निकालने के लिए वो नहीं मिलता है, तो फ्रंट बम्पर मतलब सजेस्ट नहीं करता है कंपनी प्लस टेक्नोलॉजी, क्योंकि अगर फ्रंट बम्पर रहेगा वो चेसिस में बिल्ट होगा तो जो भी झटका लगेगा वो बम्पर को लगेगा, तो जैसे बम्पर को लगेगा वो एयरबैग्स खोलेगा नहीं। ये जेन्युइन जो महिंद्रा का है वही डाल रहा है इसको भी। मतलब लगभग 2 किलो 2-3 किलो हो जाएगा, 5 किलो नहीं है, बिलो 5 किलो से। पहले ऐसा आता था, पहले ये मेटल ठीक है, इतना ख़राब नहीं है, तो जो भी इम्पैक्ट होगा इस पर लगेगा, जो मेन जो बम्पर है वो बच जाएगा। तो इसके अंदर में जो यहाँ पे एक वो दिया हुआ है, ये चैनल है इसके अंदर, ग्रुपिंग चैनल है, तो ये ऑल थ्रू आउट वहाँ लास्ट तक है। तो इसके अंदर में आपका 1-2-4 बोल्ट इसमें दिया हुआ है, तो ये यहाँ ऐसा कुछ लगेगा, ऐसा कुछ लगेगा, ये अभी बस ऐसे ही बता दिया, ये कॉर्नर में यहाँ लगेगा ये, तो ये बोल्ट यहाँ पे है, ऐसा करके यहाँ लग जाएगा, उस तरफ भी सेम ये दूसरा वाला पीस लगेगा, लेफ्ट राइट का पीस होगा। और जैसे यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है, यहाँ पे राइट साइड, ये लेफ्ट साइड हो गया और ये राइट साइड का हो गया। ये 4 बोल्ट है, तो 4 बोल्ट एक्चुअली इसमें लगने वाला है। ये जो चेचिस है ये स्क्वायर ट्यूब का है, ये चेचिस थोड़ा सा डार्क हो गया, यहाँ लाइट कम है, तो यहाँ पे 2 होल है चेचिस में ऑलरेडी। हाँ ये हो गया चेचिस आपका, ये तो चेचिस में प्री होल्ड ऑलरेडी है इसके अंदर में, ये हो, एक हो गया, एक 2 हो गया। ये ग्रुप जो बना हुआ है ये ग्रुप सी टाइप का, सी क्लैंप, तो ये ऊपर जाकर बैठ जाएगा और ये बहुत सुंदर से आपका यहाँ लग गया, ये यहाँ में घुसेगा। ये बॉल भी थोड़ा पतला दे दिया एक्चुअली, थोड़ा बड़ा साइज का देना चाहिए था, लेकिन जो वेट है आपका बम्पर का उस हिसाब से तो ये काफ़ी है, थोड़ा अच्छा से अगर फिट करेगा तो वैसे तो गिरना नहीं चाहिए, तो हम लोग इधर से ही डालेंगे उसके दर का। अब इसका टाइम लैग्स ही बनाएंगे हम, ये शायद अभी 1-1.5 साल से ही मिलने लगा है हमारा लोकल बाजार में। तो ये हो गया आपका लॉकटाइट 242, थोड़ा सा ये मीडियम टाइप का है, मीडियम स्ट्रेंथ का है, थ्रेड सीलर लेना नहीं है, थ्रेड सीलर अगर कोई नट बोल्ट अगर लूज हो जाता है इसमें आपको थ्रेड सीलर लेना है। ये लॉकटाइट क्या होगा, सिर्फ आपको थोड़ा सा कुशन टाइप का वो देगा थ्रेड, और इसका बोल्ट और इसका बीच में जो क्या है थोड़ा सा जाम लगा रखेगा, तो वो नट मतलब इजीली गिरेगा नहीं इसका। एक्चुअली सोल्डरिंग टाइप का झलाई टाइप का वो हो जाता है, झलाई मतलब वो लोहा वाला झलाई नहीं, इसका जो स्ट्रेंथ है जो केमिकल स्ट्रेंथ उसका वजह से वो दोनों मतलब पूरा टाइट से वो लग जाता है, मतलब फंस जाता है। तो इसका टपाड़िया का रेचेट हैंडल ले लिया, उसके बाद में एक सेट स्टेनले का एक पूरा सेट ले लिया, ये 2 में से हो जाना चाहिए हमारा। तो ये रिंग गुटी ले लिया इसका, तो ये छोटा वाला भी और ये लंबा वाला भी इसी में लग जाएगा। तो ये 2 स्क्रू ड्राइवर चाहिए नहीं, इस पर मैं रखा हूँ, ये बाकी इनका क्लेम है, तो टोटल में ये बोल्ट और नट है, और हमारा ये 2 आइटम हम अभी यूज़ करेंगे, ये आइटम यूज़ करेंगे, और इसमें से और निकाल लीजिए कौन कौन सा साइज़ का चाहिए। इसको हम पूरा टाइट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें ये प्ले के लिए जगह दिया हुआ है थोड़ा सा, इस प्ले के लिए, तो इसको तो बस थोड़ा सा फंसा कर रख देंगे और फाइन।
फाइनल बाद में टाइट देंगे। हैंड टाइट में काफ़ी रुक गया क्योंकि एक जगह यहाँ पे एक बोल्ट है उसको थोड़ा गलत डाल दिया था, तो उसको खोलते खोलते फिर टाइम लग गया। फिर मैंने चाय पी लिया, हम दोनों चाय पीते पीते आराम से करते करते फिर रात हो गया। सो दैट वे इट्स ऑल डन। तो इस तरह देख रहा है अभी, आई एम श्योर दिखाई तो दे रहा हो लेकिन इतना स्पष्ट नहीं है क्योंकि लाइट का जो स्पेस है काफ़ी है, तो मॉडर्न एनाफ। तो ये हो गया ऐसा लगता है देखने में, उनका स्पेस देख लीजिए। तो एक्चुअली क्या होता है, ये टूल्स वगैरह होने से ये सब DIY वर्क्स है।